मेरा नाम दीपक केळकर है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी ट्रेनर और कोच हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ लैंगिक समस्या और ब्लड प्रेशर उसके बारे में। कभी सारे पेशेंट मेरे पास में आते हैं और उनको लैंगिक समस्या होती है, नपुंसकत्व आता है कि वो सेक्स संबंध प्रस्थापित नहीं कर सकते। तो 30-35 साल के बाद में या 40 साल के बाद में कोई व्यक्ति आता है और पहली बार उसको ये प्रॉब्लम है, तो पहले हम देखते हैं कि भाई उसको डायबिटीज है क्या, मतलब शक्कर की बीमारी है क्या, शुगर की बीमारी है क्या, और दूसरी बीमारी जो है वो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मतलब खून में प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो वो देखना है हमको कि भाई ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है क्या। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उसका असर जो है वो ब्लड वेसल के ऊपर होता है, जिसमें से खून बहता है, रक्तवाहिनी, उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। और उसके ऊपर असर पड़ने से शिश्न में जाने वाला जो खून है, शिश्न में जाने वाली खून की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से फिर टेंशन जो है, इरेक्शन जो है वो शिश्न में आता नहीं। दूसरा रीजन जो है वो कि जो ब्लड प्रेशर के लिए जो दवाइयां लेते हैं वो दवाइयों से भी खून का शिश्न में जाना, खून की मात्रा का शिश्न में जाना वो कम हो सकता है। तो एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है करके, या फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयां खड़े करके लैंगिक समस्या हो सकती है। उसमें एक ये है कि एक तो ब्लड प्रेशर की दवाई जो है, कुछ दवाइयां ऐसी होती है कि वो दवाइयों से लैंगिक समस्या तैयार होती है, वो दवाई बदलनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर जो है वो उतारना पड़ेगा नीचे, और इससे भी काम होता नहीं है तो शिश्न में टेंशन आने के लिए, खून का दौरा बढ़ाने के लिए जो कुछ दवाइयां हैं वो दवाई मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो लोगों को देता हूँ, ताकि वो दवाई लेके अभी जो खराबा हुआ वो हुआ है तो अभी वो दवाई लेके शिश्न में टेंशन कैसे लाना, वो लाया जाता है और उसका फायदा होता है और वो उसका लैंगिक जीवन अच्छा और खुशी का हो सकता है। तो इसमें हमको ये देखना है कि जब जब कोई लैंगिक समस्या वाला व्यक्ति हमारे पास में आता है, नपुंसकत्व है, तो पहले हमको ये देखना पड़ता है कि उसको कोई बॉडीली शारीरिक बीमारी है क्या, बदन की बीमारी कोई है क्या। और बदन की बीमारी में जैसा मैंने बताया डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा। दूसरा है कि हार्ट अटैक जिसको आया हुआ है उसको भी डॉक्टर बोल दे कि अभी मत करो सेक्स। तो हार्ट अटैक की दवाइयों से कुछ नहीं होता, बल्कि वो दवाइयों से सेक्स अच्छा हो सकता है, मगर सेक्स में जो एक्सरसाइज होती है, जो प्रेशर आता है दिमाग के ऊपर, शरीर के ऊपर, उसके लिए बोलते कि हार्ट अटैक के बाद में या हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद में मत करो। तो वो लोग छोड़ के वो हम देखते कि उसको वो प्रॉब्लम है क्या, और कोई दवाइयां वो खा रहा क्या, पीठ की रीढ़ में, हड्डी में कोई बीमारी है क्या, नस दबी हुई क्या, और नहीं तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है कि जिसके वजह से लैंगिक समस्या तैयार होती है और लैंगिक सुख उसको मिलता नहीं है, नपुंसकत्व आता है। तो पहले बदन की जो बीमारी है उसको निकालो, उसके बारे में देखो, उसका डायग्नोसिस करो, और उसमें कुछ नहीं मिला तो फिर वो मानसिक है, और मानसिक रूप में मानसिक जो काउंसिलिंग है, फिर हस्बैंड वाइफ का काउंसिलिंग है, कपल काउंसिलिंग है, या उसको साइकोथेरेपी है, या उसको मतलब कोई सेक्सुअल थेरेपी हम देते हैं, बातचीत करके देते हैं, या मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक जो है वो हम उनको देते हैं, या फिर कुछ दवाइयां जो भी निकली है मार्केट में वो दवाइयों से, एलोपैथिक दवाइयां, वो दवाइयों से भी एक लैंगिक जीवन अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए जरूर आपको मतलब आपको प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम है, तो जरूर लोगों के शेयर करो, क्योंकि क्या होता है कि लोग ये बोलते नहीं है, इसके सामने बोलते नहीं है, तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे तो उतने ज्यादा लोग इसके बारे में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो पूछते नहीं है, फिर कुछ किताबें पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते पढ़ते फिर कहीं जाते रहते हैं और कोई बंधु डॉक्टर के पास में जाएंगे, कुछ इलाज करेंगे, कुछ जड़ी बूटियां खाएंगे और बहुत पैसा खर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल में काफी, मेरे चैनल में काफी वीडियोज है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।